नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका योर बिग गाई चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अबाउट एक्सेल। तो ठीक है, ये वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी ही बहुत ही एडवांस यूनिक ट्रिक्स। सो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो पहली ट्रिक की हम बात करेंगे वो है यूनिक वैल्यू। ठीक है, यूनिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पहले पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस सेल के अंदर। अब मैं यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद में मुझे क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट्स पे। रिमूव डुप्लीकेट्स पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे पूछता है एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर एक्सपेंड करना है दो कॉलम में है तो एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर एक ही कॉलम में है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ से ओके कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है, 6 यूनिक वैल्यू यहाँ पर रह गई हैं। अब हमें उनका काउंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कितना बार ये नंबर्स कितना है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ़, ठीक है, काउंट काउंट इफ़ जैसे ही टाइप करेंगे इक्वल्स काउंट इफ़। ठीक है, पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज ये है क्योंकि सारा डेटा इसी के अंदर है। उसके बाद F4 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से सेल को लॉक करने के लिए, रेफरेंस को। उसके बाद में आपको टाइप करना है क्या D2, मतलब क्या आपको सर्च करना है, कितने क्या काउंट करना है। तो D2 जो है जहाँ पे आपका एप्पल लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, एंटर कीजिए। एप्पल इसमें एक बार आया है, इसको अभी नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए इसमें टमेटो जो है 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये फंक्शन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। चाहिए तो मैं यहाँ पर टमेटो एक हटा के उसकी जगह कुछ और टाइप कर देता हूँ, एग्जाम्पल ऑरेंज मैंने टाइप कर दिया, ऑरेंज 4 हो गया, टमेटो 4 हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, सब टोटल। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपेंस शीट है या कोई भी डेटा है जिसमें आपको टोटल करना है और साथ ही में आपको एवरेज या मिनिमम या मैक्सिमम ये चीज़ें भी निकालना है, तो उसके लिए बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है सब टोटल। सब टोटल की मदद से आप कैसे सब एक ही में एक ही फिल्टर से आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एक्सपेंस है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, रेंज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रेंज पे फिल्टर लगाना है। ठीक है, फ़िल्टर लगा दिया रेंज में, पहले फ़िल्टर लगा हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद में आपको नीचे जाना है जहाँ पे आपको सब टोटल करना है और सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल्स प्रेस कर देना है। ठीक है, ये देखिए ऑल्ट इक्वल्स प्रेस किया, यहाँ पे सब टोटल आ गया। अभी आपके पास इतने नंबर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, एवरेज यहाँ से देख सकते हैं, काउंट आप यहाँ से देख सकते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं, मिनिमम देख सकते हैं और इसका सम यहाँ पे देखिए 288। सो इस तरीके से सब टोटल फंक्शन काम करता है। चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, फ्लैश फिल। अगर कभी कभी आपको क्या होता है कि डेटा इस तरीके से मिलता है, अगर आपको ज्वाइन करना है इन दो डेटा को और टाइप करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो सिंपली पहले आपको क्या करना है, पहले सिर्फ आपको मैक्सिमम दो वैल्यू टाइप कर लेना है, वसीम स्पेस 23। ठीक है, इस तरीके से हमें डेटा चाहिए। उसके बाद RA, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जो डेटा दिख रहा है अगर एंटर करेंगे तो सारा डेटा आ जाएगा, नहीं तो दूसरा भी तरीका है उसके लिए, आप एंटर कीजिए, नीचे वाले कॉलम में आइए और यहाँ पे आपको जाना है डेटा टैब में फ्लैश फिल फंक्शन पे, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली सारा जो फ्लैश फिल है, मतलब जो डेटा है वो आपका फ्लैश फिल की मदद से यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू डेटा वैलिडेशन। अभी डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है, बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जो डेटा है, ये सारा डेटा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के रूप में चाहिए तो वो कैसे ला सकते हैं, सिंपली आपको रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा टैब की बात कर रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाना है, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट के बाद सोर्स पे क्लिक करके रखना है और सोर्स जो है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके कीजिए, ये देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा है, जो भी डेटा है सब डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है इस तरीके से, आपको यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ID के लिए भी आप बना सकते हैं, रेंज सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कीजिए, सोर्स में ID इस तरीके से एंटर कर दीजिए, आप जो भी चाहें जिसके सामने जो भी नंबर आप डाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट ट्रिक की बात करने में टेक्स्ट टू कॉलम, बहुत कम लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, एक टेक्स्ट टू कॉलम करके जो फंक्शन है ये वाला, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम बहुत ही अच्छा फंक्शन है, कैसे हम इससे काम कर सकते हैं, तो अगर डेट का फॉर्मेट आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको कैसे टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से चेंज कर सकते हैं। डी लिमिट को हमेशा सेलेक्ट रखना है क्योंकि यहाँ पे कॉमा या कोई भी टैब जो भी फील्ड में मिलेगा, टैब पे प्रेस कीजिए, अदर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लगाना क्या है, जो भी यहाँ पे आपको फंक्शन लगाना है यूज़ करना है
स्पेस भी रख सकते हैं, कॉमा भी रख सकते हैं, सेमी कॉलन भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप जो है हाइफन, कोई भी कुछ भी आप यहाँ पे सिंबल रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलीमिटर्स एज वन ये ज़रूर क्लिक करना है, तो जो आपको डेटा सेलेक्ट किया है सभी चेंज हो जाएगा एक ही बार में। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि ये डेट है तो हम डेट में जाएंगे। डेट में आपको चेंज करना है इसको डेट, मंथ, डेट और ईयर, क्योंकि इसमें 10-10 जो है वो मंथ है, तो मंथ डेट ईयर पे क्लिक करके रखेंगे। फिनिश कीजिए, ये देखिए सारा डेटा ऑटोमेटिकली इस तरीके से चेंज हो चुका है। मैं कंट्रोल जी से अंडू कर देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन यूज़ करने की बजाय भी आप इस तरीके से आपको इसको कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए और रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस क्या करना है आपको, ये डॉट को रिप्लेस करना है आपको स्लैश से। तो आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल कीजिए इस तरीके से, देखिए ये भी फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, वरना तो टेक्स्ट टू कॉलम तो आपके लिए नया है ही। ग्रुप शीट, ये फंक्शन भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ये भी डेटा वैलिडेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे शीट्स हैं उनको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, मतलब ये जो डेटा इसके नीचे है उसको हाइड हो जाना चाहिए, तो वन बाई वन यहाँ पर करेंगे। पहले इसको ले लेंगे और यहाँ पर ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, रो में हमें यहाँ पर ग्रुप बनाना है, यहाँ पर फिर से रो में ग्रुप बना देंगे एक और यहाँ पे भी एक और ग्रुप बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए वो हाइड हो गए जो भी डेटा था उसके नीचे, ये डेटा इस तरीके से आप हाइड करके भी रख सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट हाइपरलिंक की तरफ। हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर हाइपरलिंक लगाना चाहूँ फूड आइटम पर, अगर मैं फूड आइटम पर क्लिक करूँ तो मैं किसी दूसरी शीट में चला जाऊँ, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। और आपके पास ये जो ऑप्शन है, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज में लगा सकते हैं या इसी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। मैं इसी डॉक्यूमेंट में आपको लगा के दिखाता हूँ कि अगर मैं फूड आइटम पे क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन वाली शीट पे चला जाऊँ। ठीक है, ओके कीजिए। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन वाली शीट में आ गया, फिर से वापस हाई लेवल लिंक हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेटा वैलिडेशन में आ गया। इस तरीके से हाइपर लिंक काम करता है। अब हाइपर लिंक को हटाते कैसे हैं, आप बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है हाइपरलिंक लगा भी हुआ है तो उसको हटाना कैसे। राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक हट जाएगा, इसको फिर फॉर्मेट पेंटर की मदद से सेम कर देंगे। नेक्स्ट टाइमलाइन, ये फंक्शन यूज़ होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, जो भी आपने पे वो चार्ट बनाए हैं और उस चार्ट से आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो डैशबोर्ड बनाते समय आपको टाइमलाइन और ये स्लाइसर का यूज़ करना पड़ता है, तो वो आप कैसे बना सकते हैं, ये पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पहले पिवोट टेबल बनाना पड़ेगा। पिवोट टेबल का ये जो ये देखिए यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग वर्कबुक में ही बनाना है, तो लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे दिए एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे पिवोट टेबल बन गया है और पिवोट टेबल का जो भी कंटेंट्स है आप यहाँ से ले सकते हैं, फ्रूट्स, काउंट और डेट, ये देखिए। अब इसके बाद आप इसी में कर्सर रखते हुए इधर ही आप जाएंगे एनालाइज टैब में और इंसर्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन पे जब इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेट पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिए, ये है आपका टाइमलाइन। अब आपको जो भी टाइमलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ में डेटा आपका जो है एग्जांपल मैं नीचे दिखा दूँ कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, नवंबर का 77 है। ठीक है, इस तरीके से ये टाइमलाइन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन बात करेंगे स्लाइसर। स्लाइसर कैसे काम करता है, बिल्कुल सेम टाइमलाइनर की तरह है। पहले आपको यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, वो टेबल पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग में ही हम बना लेते हैं, कहीं पे भी रेंज दे दीजिए। ओके, यहाँ पे वो टेबल आ चुका है, फ्रूट्स, काउंट, ये देखिए सम भी आ गया है उसका। उसके बाद इसी में आपको रखना है कर्सर को और एनालाइज टैब से इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर आपको किसका चाहिए, फ्रूट्स का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपके पास तीन फ्रूट हैं, तीन तरीके का, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। अगर स्लाइसर की मदद से क्या होता है कि डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, क्लिक कीजिए, वो बहुत ही अच्छा काम करता है डैशबोर्ड में, इस तरीके से ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। आप अगर सिर्फ ऑरेंज का देखना है, एप्पल का देखना है, मैंगो का देखना है, तो इस तरीके से स्लाइसर काम करता है। नेक्स्ट और लास्ट, ऑटोमेटिक डेट एक्सपायरेशन। एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके का डेटा है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर जो डेट हैं उनसे हमें पता लगाना है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है एग्जाम्पल, तो उसके लिए सिंपली फंक्शन लगाएंगे आप यहाँ पे इफ़ का, इफ़ ये डेट आज के बराबर है या आज से बड़ा है। ठीक है,
आज के लिए टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आना चाहिए वैल्यू? तो आना चाहिए एक्सपायर्ड, ठीक है, अदरवाइज आना चाहिए वैलिड। ये डबल कोट्स के अंदर ही सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। अब ये है आपका फॉर्मूला, आप एंटर कीजिए। ये देखिए जो आने वाले टाइम में है वो वैलिड है और जो ऑलरेडी डेट जा चुका है वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल का नाम है योर बिग गाइड। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।